हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम आ चुका है मजनू का टीला में। तो मॉनेस्ट्री के सामने हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पेशली ब्रेकफास्ट खाने के लिए आता है। तो पहले हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मजनू का टीला में क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे जगह है, मैं आप लोगों को सब बता देती हूँ। मजनू का टीला एक छोटा सा मार्केट है जहाँ से सब कुछ मिल जाता है। जो भी चीज़ चाहिए ना, वो सब कुछ यहाँ से अवेलेबल होता है। तो फिर अगर आप लोगों को भी यहाँ पे घूमने आना है तो आ सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मॉनेस्ट्री भी है, यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए भी आ सकता है कोई भी। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े भी है, अगर आप लोगों को आना है तो यहाँ पे आके एंजॉय करके जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मिलता है नेपाली डिशेस, कोरियन, चाइनीज़, टिबेटन, इंडियन, सब कुछ मिल जाता है। आप लोगों को अगर ट्राई करना है तो यहाँ पे आके एक बार ट्राई कर लीजिए। तो आज सुबह मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मजनू का टीला में आया, फिर हमने यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद में हमने लंच करके अभी डिनर करने जाऊँगे, फिर डिनर करने के बाद में मजनू का टीला में यहाँ पे स्टे करके आज वन नाइट यहाँ पे स्टे करके बैठ जाऊँगे। अभी हमने सामान वामान पैकिंग कर लिया, बस 12 बजने से पहले पहले हम यहाँ से रूम चेकआउट करके निकल जाऊँगे। अगर कोई भी मजनू का टीला में घूमने आएगा तो यहाँ का लाफिंग खा के जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ का लाफिंग बहुत टेस्टी मिलता है। शाम के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत रश होता है लाफिंग खाने वाला। मैं भी यहाँ से एक लाफिंग खा के निकल जाऊँगी, बहुत टेस्टी है यहाँ का लाफिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।